इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने पूर्वी क्षेत्र में चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से सोने चांदी के 8 से 10 लाख रुपए के जेवरात का माल जब्त किया गया, जिनसे और अन्य चोरी व नकबजनी के मामलों को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम को इस कड़ी में कार्यवाही के दौरान सूचना मिली कि तीन व्यक्ति थाना विजयनगर क्षेत्र में एक MI कंपनी की LED टीवी काफी सस्ते दाम में बेचने के लिए घूम रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना विजयनगर पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। यह सूचना व हुलिया के आधार पर चार व्यक्ति खड़े देखे, जो पुलिस को पास आता देख भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा तथा नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम संजय कुशवाहा, आकाश उर्फ गोपाल निहोरे, राहुल व एक अन्य को हिरासत में लिया। आरोपी गण के पास मौजूद LED टीवी के संबंध में पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो तीनों आरोपी गण को थाना विजयनगर लाकर पूछताछ की गई। तब आरोपी गण द्वारा बताया गया कि उक्त LED टीवी उनके द्वारा अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में रात को स्कीम नंबर 74 के एक मकान से चोरी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आगे की सूचना की तो उसमें आरोपी ने चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देना बताया, जिसके कब्जे से 8 से 10 लाख की सोने चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। सभी आरोपियों ने पूर्व क्षेत्र के 4 से 5 थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को करना कबूल किया। क्राइम ब्रांच की टीम को एक सूचना मिली, कुछ सातिर नकबजन है जो शहर के आउटर क्षेत्र, विशेष रूप से जो बाईपास और जो MR 10 ऐसे लगे हुए थाना क्षेत्रों में लगातार नकबजनी करते हैं, सूने मकानों को अपना निशाना बनाते हैं। सूचना के आधार पर तीन आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है, इनमें से एक संजू संजय, दूसरा राहुल है और इसका एक और साथी, इन तीनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसमें जिसका मुख्य सरगना है वो संजय और संजू है, जो हीरानगर क्षेत्र का सूचीबद्ध निगरानी बदमाश है। इससे जो प्रारंभिक पूछताछ इन आरोपियों से हुई, उन्होंने 13 घटनाएँ कबूल की हैं, उनमें से थाना लसूड़िया, थाना विजयनगर, थाना परदेशीपुरा, थाना हीरानगर और पणगंगा थाना क्षेत्र की घटनाओं का खुलासा हुआ है। इसमें से जो अभी सामान जब्त हुआ है, लगभग 8 से 10 लाख का सामान जब्त हुआ है। इसमें गोल्ड ज्वेलरी, सोने के आइटम, चांदी के कुछ ऐसा सामान भी मिला है जो घरों से चोरी हुआ था। ये मुख्य रूप से सूने मकान में नकब अपना जो चोरी है, दरवाजा तोड़कर या लॉक तोड़कर घुसते थे और सामान को फिर ये जो सोने चांदी का सामान है उसको जो सुनार रहते हैं उनको बेचते थे। इस पे का जो आरोपी है, जो खरीदने वाला है, उसको भी इसमें 411 IPC के तहत इसमें अपराधी और सह अपराधी बनाया गया है। जो आरोपी है सभी से पूछताछ की जा रही है, अभी रिमांड भी ली जाएगी और अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जाएगी।